हमारा टेस्ट प्रॉपर हैदराबादी टेस्ट है, इसके मसाले प्योर हैदराबादी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं लातूर में। तो आज हम ट्राई करने वाले लातूर की हैदराबादी बिरयानी। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पिछले ब्लॉग आपने देखे ही होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर द डी पिज्ज़ा का भी ब्लॉग बनाया था। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ हैदराबादी बिरयानी ट्राई करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की हैदराबादी बिरयानी कैसी है और यहाँ का टेस्ट कैसा है। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी मिलती है। तो ये देखिए, ऐसा कुछ यहाँ पर ये होटल है, बहुत ही खूबसूरत सा होटल है। तो अभी अंदर चलते हैं हम। तो चलिए गाइस, सो गाइज आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर ये होटल के ओनर हैं और ऐसा कुछ यहां का होटल है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है और दूसरा फ्लोर ऊपर है और यहां पर ये ओनर है। तो नमस्ते सर। नमस्ते। तो क्या आपका नाम क्या है? अजय सर। तो अजय सर यहां पे है, ये लोकेशन आप बता सकते हैं ये होटल की? ये लोकेशन है बारसी रोड, पानी की टाकी के पास, संविधान चौक। एग्जैक्ट लोकेशन है संविधान चौक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, इधर 5 नंबर को जाते हुए। सो गाइस, यहाँ पर ये ओनर से तो आपने मिल लिया। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर नीचे है, ऊपर फैमिली के लिए है। तो सर ऊपर फैमिली के लिए है ना? ऊपर फैमिली सेक्शन सेपरेट है। तो गाइज आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं और ऊपर ही फैमिली सेक्शन है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये बिरयानी होटल है। तो लातूर में आपको कहीं नहीं ऐसा होटल मिलेगा, यहाँ पर बेस्ट होटल है ये। तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर का सेक्शन देखते हैं हम कैसा है। सो गाइज मैं आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है इसकी लोकेशन, जो कि यहाँ पर आप आकर बिरयानी खा सकते हैं और पूरा ये होटल विजिट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये होटल है। तो इसके थोड़े से ये सिनेमैटिक शॉट आप एंजॉय करें। सो गाइज अभी हम ऊपर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर लाइटिंग कैसी खूबसूरत सी यहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ के टेबल आप यहाँ पर देख सकें, कुर्सियाँ यहाँ पर कितनी बेहतर है। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये ऊपर का सेक्शन है, जो कि यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते, यहाँ पर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। यहाँ का फूड, जो भी यहाँ का फूड है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो गाइज आपको मैं यहाँ का जो मेन्यू है वो दिखाता हूँ और सबसे फेमस जो फूड है वो भी मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ और सबसे लो प्राइस का जो फूड है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अपने साथ ये सागर भाई है, तो ये हमें बताएंगे यहाँ पर फूड कौन सा है। तो हमारे साथ यहाँ पर सागर भाई है और ये हमें बताएंगे कि यहाँ का फेमस फूड कौन सा है सबसे ज़्यादा। चिकन दम बिरयानी है। चिकन दम बिरयानी पूरा हैदराबादी स्टाइल में, तंदूर में आपका हो गया, प्लेटर हो गया,
अच्छा, चिकन बंजारा कबाब हो गया, लहसुनी कबाब हो गया, काली मिर्च अच्छा। हो गया, चिकन तंदूरी हो गया। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं यहाँ पे जो कि आप यहाँ पर ले सकते हो। और सबसे लो प्राइस में कौन सी डिश है यहाँ? सबसे लो प्राइस चाइनीज का है जी, यहाँ पे ना जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी डिश है जो आप यहाँ पर अपने अपने मनपसंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी हमें एक चिकन दम बिरयानी दे दो तो अभी हमारे सागर भाई यहाँ पे लाने वाले हैं। तो हैदराबादी चिकन दम बिरयानी यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर कैसी आती है और यहाँ का टेस्ट भी मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस अभी सागर भाई हमारे लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बिरयानी लेकर आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे। हाँ डाल दो। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सागर भाई ने हमें यहाँ पर परोस दिया है यहाँ पे। चेक करते हैं कैसी है यहाँ की बिरयानी, तो चेक करके हम मैं आपको बताता हूँ। बिरयानी खा ही रहा था तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया यहाँ की बिरयानी है, बहुत ही बढ़िया यहाँ की टेस्ट है। तो गाइस अभी हमारे बिलाल भाई यहाँ पर टेस्ट करके बताएंगे कि ये बिरयानी कैसी है। एक नंबर गाइस। तो बिलाल भाई आपको कैसा लगा यहाँ की बिरयानी? अच्छा लगा गाइस, कुछ भी फर्क नहीं, सेम ही हैदराबाद की बिरयानी मैं खाया हूँ पहले। सो गाइस यहाँ पर ये जो बिरयानी है अभी मोहसिन भाई यहाँ पर खा के बताएंगे कि ये बिरयानी कैसी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी दी जाती है 200 रुपए में, और मैं आपको अभी टेस्ट करके बताता हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगहों की बिरयानी खाई जैसे गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। अगर यहाँ की भी बिरयानी में अगर कुछ टेस्ट होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी होटल में तभी आप आना, क्योंकि लातूर में बहुत सारे होटल हैं। लेकिन हैदराबादी बिरयानी मैंने भी बहुत सुना था, वीडियोज देखी थी, मैं भी इस पर टेस्ट करके बताऊँगा आगे आपको, और जो रियल है वही बताऊंगा। एक नंबर जो गाइस मैं तो सजेस्ट करूंगा आप भी यहाँ पर आ सकते हो, एक बार जरूर ट्राई करना, आपको अलग अलग डिशेस यहाँ पर मिलेंगे। गाइस अभी तो मेरे पूरे फ्रेंड ने यहाँ पर बता दिया है कि ये बिरयानी कैसी है, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नेक्स्ट लेवल ये बिरयानी है। तो अभी ऐसी कुछ यहाँ पर बिरयानी, और यहाँ पर शेरवा भी है, और यहाँ पर रायता है, और प्याज भी है यहाँ पे। तो अभी ये खाते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं। सो गाइस खाना पीना फुल हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार यहाँ की बिरयानी थी जो कि बहुत ही बढ़िया मुझे लगी, और आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पर आए और ये पूरे होटल को विज़िट करें। ओनर को, ये होटल के ओनर को हम पूछते हैं ये बिरयानी किसी में नहीं है। तो सर आप ये बिरयानी किसने बनाई है? क्या बोले सर, बिरयानी किसने बनाई है? मास्टर ने। बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाई है सर, बहुत ही बहुत ही बढ़िया बिरयानी, इतनी ऐसी इतनी अच्छी बिरयानी मैंने कभी भी नहीं खाई यहाँ। बहुत ही अलग अलग जगह पर गया हूँ पर ऐसी बिरयानी नेक्स्ट लेवल है आपकी बिरयानी। आपके सब्सक्राइबर लोगों को पता ही है यहाँ के। देखिए सर यहाँ के जो ये ओनर हैं होटल के, ये हमें कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे। तो सर यहाँ का जो बिरयानी का टेस्ट है वो कैसा है, आप ये हमारे व्यूअर को बता सकते हैं? नमस्ते, हमारा टेस्ट प्रॉपर हैदराबादी टेस्ट है, इसके मसाले प्योर हैदराबादी है। अच्छा, ऑथेंटिक टेस्ट है। अच्छा, और एक बार हमारे रेस्टोरेंट को एक बार विजिट करें, ये नज़दीक है सुहाग चौक से, लगभग
डेढ़ किलोमीटर की दूरी तक है। अच्छा, रोड पे है। ओके, संविधान चौक पानी के टाके के पास है। ओके सर, जरूर आए। तो गाइस सर ने हमें बता दिया है यहाँ पर, इसकी करेक्ट लोकेशन भी बता दी है, तो हम मिलना चाहेंगे, ये बिरयानी किसने बनाई है, तो अभी हम मिलते हैं। तो सर अंदर है ना आपके मास्टर, ब्रेक पे। अच्छा, तो गाइस अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी वो ब्रेक पर गए हैं यहाँ पे। तो फाइनली गाइस अभी हम होटल से बाहर तो आ चुके हैं, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसके भी आगे मेरे कंटिन्यू से ब्लॉग आते रहेंगे। तो चलिए, बाय बाय गाइस।